हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का बैक पार्ट लिया है और इस पार्ट में हमने अस्तर भी जोड़ लिया है। अब इस ब्लाउज का साइज़ 34 इंच है और मैंने यहाँ पे ये आर्म होल भी कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे बुकरम का एक छोटा पीस चाहिए, ये इस तरह से। ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसमें हम अपने नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। पहले हम इसमें अपने बैक का डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई है 9 इंच और उसकी लंबाई है 11.5 इंच। अब इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए 3 इंच अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे और नीचे से 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 3 इंच का एक बॉक्स बना लिया है जिसमें हम अपना बोट नेक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने गले की लंबाई 10.5 इंच ली है, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने बोट नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे की ओर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी तरह हम नीचे भी 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे बुकरम की कटिंग का निशान है। यहाँ से हम ये कट कर लेना है। चलिए फटाफट से हम अपने नेक को कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नेक का डिज़ाइन है। इस तरह से हमारे ऊपर बोट नेक आएगा और बीच में हमारा रेक्टेंगल शेप आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है इसको इस तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एक अस्तर के कपड़े का टुकड़ा लिया है जो कि हमारे शेप से 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। इस तरह से अब हमें यहाँ पर हमारा बैक पार्ट है जिसको हम फोल्ड करके इस तरह से ऊपर से सेंटर में कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक का सेंटर है, इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से हम हल्के से निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेंटर लाइन मिल चुकी है हमें। इस तरह से हमने बुकरम के सेंटर में भी निशान लगा लिए हैं। इस तरह से कपड़े के सेंटर के ऊपर अपने ब्लाउज के सेंटर को रख लेना है इस तरह से। उल्टी साइड से हमने कपड़ा रखा है इस तरह से, और जो हमारा उल्टा साइड है यानी कि अस्तर वाला साइड है, इधर हम अपना बुकरम रख लेंगे इस तरह से। और हमें ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से इसको हम इसमें अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कच्चे सिलाई कर सकते हैं, जैसे कि सुई धागे से, या फिर आप आर पिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सुई धागे से कच्ची सिलाई कर ली है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसी तरीके से कच्ची सिलाई ही कीजिएगा।
अब हम यहाँ पे अपनी सिलाई के निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, जिस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई करने में आसानी होगी। अब यहाँ से हम नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने पूरा निशान लगा लिया है। इस निशान के ऊपर हमें सिलाई करनी है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग एकदम अच्छे से आए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने अपनी सिलाई कर ली है, जैसे हमने निशान लगाए थे ठीक उसी निशान के ऊपर हमने अपनी पूरी सिलाई कर ली है। अब हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है इस तरह से। अब हमारा जो ये स्क्वायर है, इसको भी हम कट कर लेंगे सेंटर से इस तरह से। हमें ये पूरा कपड़ा कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे सिलाई के बीच से इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने कच्ची सिलाई करी थी, इसके धागे भी हम कट करके हटा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कच्ची सिलाई हटा ली है। अब हमें यहाँ पे से छोटे छोटे कट देने हैं इस तरह से।
अपने पूरे नेक में हमने कट दे दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा उल्टे साइड था, ये जो हमने कपड़ा लगाया था, इसको अब हम उल्टी साइड की तरफ को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके कॉर्नर निकालने के लिए मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ। आप भी किसी इस टाइप की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि हमारे ये जो कोने हैं ये अच्छे से निकल के आ जाएं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अब ठीक इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके भी हमने एक कोना निकाल लिए। अब इस तरह से हमें कपड़े को उल्टी साइड की तरफ को फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई देनी है। इस तरह से सिलाई हमें पूरे नेक में देनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने पूरी सिलाई कर ली है अपने नेक में। अब हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अपने बुकरम में सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से हमने इस कपड़े को अपने बुकरम में सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम तुरपन कर लेंगे और ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है इस तरह से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।